डीपीए स्कूल के संचालकों को कोर्ट ने भेजा समन, 7 सितंबर को कोर्ट में होना होगा पेश। बिहोली रोड स्थित गंगा पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने किया हाथ साफ, कैबिन का शीशा तोड़कर 65,000 रुपए किए चोरी। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, रोडवेज की बसों के चक्के जाम। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने लघु सचिवालय के प्रांगण में किया पौधारोपण और कहा इस अभियान के तहत लगाया गया 808वां पौधा। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों के लिए यमुना से लेकर पानीपत लगे अनेकों शिविर, बच्चे बूढ़े और युवा सहित अन्य लोग कर रहे हैं सेवा। किशनपुरा में संजय पार्क के पास गली में सीवर जाम, सड़क पर भरा है गंदा पानी, लोग परेशान। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान। नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस सीसीटीवी कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल रिफाइनरी बाईपास रोड बत्रा कॉलोनी पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। एएसएम आरओ ऑल मॉडल अवेलेबल। अपो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं पानीपत धनाधन। मैं विपुल रूबरू कराऊंगा आपको पानीपत की तमाम गतिविधियों के साथ। डीपीए स्कूल के संचालकों और कर्मचारियों को कोर्ट ने समन भेजा है, 7 तारीख को कोर्ट में पेश होने के आदेश जारी किए हैं। पेरेंट एसोसिएशन प्राइवेट स्कूलों द्वारा मनमानी फीस के खिलाफ काफी दिनों से झंडा उठाए हुए हैं। आज पानीपत मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता के दौरान पेरेंट एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर सुभाष सैनी और सदस्यों ने कहा कि डीपीएस सिटी जूनियर सुशांत सिटी के संचालक अमित राणा, शीतल ढींगड़ा पत्नी अमित राणा, अर्चना जैन प्रिंसिपल डीपीएस पानीपत सिटी समालखा व सुमित कोचर हेडमिनिस्ट्रेटर डीपीएस सिटी जूनियर सुशांत सिटी अंचल व सिद्धार्थ एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी दिल्ली के अन्य पदाधिकारियों से मिलकर और आपराधिक षड्यंत्र रचने के उपरांत इन सब के खिलाफ जेल धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120 बी आईपीसी के तहत 7 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के समन जारी हुए हैं। सुभाष सैनी का कहना है कि इन धाराओं में काफी सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है। इनका कहना है कि ये स्कूल 2012 और 13 से गैर कानूनी तरीके से चलाकर स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों से मनमानी तथा गैर कानूनी फीस ले रहे हैं। सैनी का कहना है कि इससे पहले भी वो पानीपत में एसपी और डीसी को शिकायत दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बच्चों से ज्यादा बिना सरकार की परमिशन लेकर उस फंड का इस जूनियर डीपीएस अंसल सिटी में बैंक अकाउंट ना खुलवाकर उस पैसे को, उस फीस को गलत तरीके से फोर्जली करके डीपीएस 77 माइल्स को समालखा में उस फंड को उस खाते में ट्रांसफर करके यहाँ तक नहीं उस केवल उस स्कूल में ट्रांसफर किया बल्कि उस स्कूल के दूसरे अकाउंट दिल्ली में कई अकाउंट्स में पर्सनल यूज के लिए डाइवर्ट करके ये इन्होंने इन दफाओं में 426, 467, 478 का अपराध किया है। जिस उपरांत हमने पेरेंट एसोसिएशन ने जो पीड़ित पक्ष है भाई कृष्णलाल चुप जी स्कूल में पढ़ते थे, इनके साथ उन्होंने चीटिंग फर्दरी करी है और हमने न्यायालय के अंदर 17 के उपरांत जज साहब ने इन दफाओं के अंदर इनको दोषी पाकर समन किया है, जिसमें 7/9/2018 की पेशी इनके उपस्थित होने के लिए लगी है। वह हरियाणा के अंदर जो इनलीगल स्कूल चल रहे हैं और स्कूल द्वारा हर साल फीस बढ़ा दी जाती है, हर साल पेरेंट्स को ये बोला जाता है भाई हम तो फीस बढ़ाएंगे, आप अपना बच्चा निकाल लो। पेरेंट्स मजबूर होते हैं, पहली कक्षा में बच्चा पढ़ाते हैं उसकी फीस होती है 40,000, अगली कक्षा में आता है 45,000, 55,000, 65,000, 75,000, हर साल मजबूर हो जाते हैं। प्रिंसिपल से, मैनेजमेंट से, किसी से भी बात करें, एक ही जवाब मिलता है जी कानून ये कहता है हम फीस बढ़ा सकते हैं।
और आपको बच्चा पढ़ाना है पढ़ाओ, नहीं तो आप बच्चा निकाल दो। पानीपत के कितने स्कूल व हरियाणा के कितने स्कूल ऐसे कर रहे हैं। उसी प्रकार पानीपत में डीपीएस पानीपत सिटी संभालका व डीपीएस पानीपत सिटी अंसल व डीपीएस पानीपत सिटी संभालका के नाम पे दो सबसे ब्रांडेड, मैं समझता हूँ पूरे पानीपत का हर पेरेंट्स ये चाहता है कि मेरा बच्चा उस स्कूल में पढ़े, लेकिन इन्होंने क्या किया, एक स्कूल के नाम पे दो स्कूल चला दिए। डीपीएस पानीपत सिटी संभालका के नाम पे डीपीएस पानीपत सिटी अंसल चला दिया 2012 से लेके 2016 तक, 2016 में है, और हर साल फीस बढ़ा दी। जो भी फीस बढ़ाई उसको अपने बढ़ी हुई फीस समेत संभालका के अकाउंट में आज दिन तक उसको ट्रांसफर कर लिए पैसे, सारे पैसे संभालका के अकाउंट में, करंट अकाउंट में पैसे गए, फीस स्लिप संभालका के अकाउंट की मिली जो गैर कानूनी थी, और संभालका के अकाउंट की फीस स्लिप जो अकाउंट है वहां से सारा पैसा सोसाइटी में, दिल्ली के अकाउंटों में, अलग अलग सोसाइटी में पर्सनल यूज के लिए ट्रांसफर कर दिया गया। एक कंप्लेंट लगाई गई थी जिसमें हमने ये बताया था कि डीपीएस पानीपत सिटी संभालका जो है वो डीपीएस पानीपत सिटी जूनियर वो इनलीगल स्कूल चला के पेरेंट्स को सीबीएसई नाम का यूज कर रहा है, डीपीएस का गलत नाम यूज करा रहा है। पेरेंट्स स्कूल जाते हैं वो क्या देखते हैं, भाई ये स्कूल सीबीएसई से एफिलेटेड है, उन्होंने बुक्स प्रोस्पेक्टस या जितने भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं सब पे सीबीएसई का नाम यूज किया हुआ है और सीबीएसई कोड संभालका का यूज किया हुआ है, जो कानूनन रूप से गलत है, जिसकी प्रॉपर कानून ने हमें लिखित में दिया है कि वाकई में ये नहीं कर सकते, चाहे शिक्षा विभाग है कोई भी है। उसके लिए एक कंप्लेंट दर्ज की गई थी जो 2016 में एसपी डीसी साहब को सबको दी गई थी, जिसपे पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम कोर्ट चले गए 156(3) में, वहाँ कोर्ट ने कहा जी आप एविडेंस कराओ और आप उसके ऊपर एविडेंस कराओ। डेढ़ साल से हमारी एविडेंस चल रही थी, 16 गवाह हमने पेश किए, सीबीएसई वाले आए, डायरेक्टर आए, डीओ साहब आए, हर विभाग से जितने हम अधिकारी आते हैं वो आए, टाउन प्लानिंग। उसके लिए हमारी पिछले डेढ़ साल से कानूनन लड़ाई कोर्ट में चल रही थी, जिसके ऊपर अब 7/9/2016 को 7/9/2018 के कोर्स के नाम पे डीपीएस के ओनर अमित राणा, वाइफ शीतल राणा, दोनों प्रिंसिपल जो संभालका और जो जूनियर और इनकी जो सोसाइटी के मेंबर्स के खिलाफ धारा 406, 467, 468, 471, 120 बी के तहत जो है कोर्ट ने माना है और उनको समन जारी किए हैं कि आप आओ और अपने जो है इन एविडेंस के ऊपर अपने प्रूफ दो, अपनी बात रखो, जिसके ऊपर अगली तारीख प्रॉपर कोर्ट ने मान के समन जारी हो गए। बेहोली रोड स्थित गंगा पेट्रोल पंप पर देर रात बदमाशों ने करी लूटपाट, सारा मामला सीसीटीवी में कैद। सुबह 5:15 बजे कर्मचारी को चोरी का पता चला, इसके बाद उसने पेट्रोल पंप मालिक को सूचना दी और 100 नंबर पर कॉल भी किया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम ने जांच शुरू कर दी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप पर करीब 2:45 बजे 5 लड़के आए और पेट्रोल के लिए पूछने लगे। कर्मचारी मुकेश व नीला अंदर कैबिन में सो रहे थे, उन्होंने तेल देने के लिए मना कर दिया और वापस सो गए। इसके बाद करीब 2:15 बजे दोबारा 5 लड़के आए, उन्होंने पेट्रोल पंप के कैबिन में कांच का शीशा निकाला, लेकिन आधा शीशा नीचे गिर गया, बाकी का हिस्सा निकालकर तीनों लोग अंदर घुस गए। दो बदमाश बाहर पहरा देते रहे, कैबिन में रखे करीब 65,000 रुपए पर चारों ने हाथ साफ कर दिया। सारा मामला वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने मालिक सचिन बंसल के बयान पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रात को लगभग 2:45 बजे यहां पर हमने कैमरे पर देखा कि दो मोटरसाइकिल आई हैं, एक पर 3 बंदे थे, एक पर 2 बंदे थे, तो यहां मशीन के पास आके वो रुक गए और उन्होंने पेट्रोल की डिमांड की। रात को हम लोग पेट्रोल डालते नहीं है, पता नहीं किस तरह के लोग हैं, तो जो यहाँ कर्मचारी थे उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद कर्मचारी सो गए रूम के अंदर ही। फिर ये लोग 2:10 पे दोबारा आते हैं और फिर ऑफिस का कांच का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसकर जो वहाँ कैश रखा था वो निकाल कर ले गए। कितना कैश था जी? ये लगभग 65,000 रुपए। कितनी चोट चाट तो लगी? नहीं, चोट किसी को लगी क्योंकि हमारे आदमी बाहर निकल के नहीं आए थे, वो रूम के अंदर ही अपना सुरक्षित होकर बैठे रहे। पुलिस को दे दी सूचना? हाँ, पुलिस को सूचना दे दी है, बड़ी तुरंत एकदम स्पीडली टाइम पे सुबह सुबह पुलिस आई, उसके बाद फोरेंसिक वाले आए, सारा डाटा उन्होंने कलेक्ट किया है। लिंक स्टेशन है ब्योली में, इनके मालिक सचिन संभालका थे, वे पीछे से शीशा उखाड़ के ने और 65,000 रुपये चोरी का मामला है और इसमें कुछ हमारे पास क्लू है सीसीटीवी फुटेज से, इसको जल्द ही ट्रेस आउट करते हैं। तो कुछ एक सीसीटीवी फुटेज में उसमें जानकारी आई है और इसको जल्द ही सॉल्व कर दिया जाए। इसमें फुटेज तो ये तो पकड़ने बाद पता चलेगा ये इसमें आरोपी 3 थे 4 थे 5 थे कितने हैं, लेकिन इसमें है हमारे पास क्लू है, इसको जल्द ही ट्रेस आउट कर दिया। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों के लिए यमुना से पानीपत तक अनेकों शिविर लगाए गए हैं।
इन शिविरों में आसपास के गांव के बच्चे, बूढ़े और युवाओं सहित कई अन्य लोग भी सेवा कर रहे हैं। हरिद्वार से कावड़ लेकर आ रहे कावड़ियों के लिए सनोली यमुना पुल से पानीपत तक अनेक जगहों पर शिविर लगाए गए हैं। इन शिविरों में आसपास के गांवों के बच्चे, युवा सहित सभी लोग कावड़ियों की शिविरों में सेवा कर रहे हैं। शिविरों में स्नान, रहन सहन, खान पान, दवाइयों सहित अनेक सुविधाएं दी जा रही हैं। यमुना पुल के पास श्री शिव मनोकामना सेवा समिति की ओर से 12वां विशाल शिविर लगाया गया। कावड़ियों के लिए भंडारे का शुभारंभ समाज सेवी निगम पार्षद तरुण छोकर के नेतृत्व में समिति सदस्यों घनश्याम दास सनोली, रणबीर शर्मा, आलोक कशिश, सन्नी, आशीष, बंटी, मोनू, तेजबीर, अजय, रमन, अनेक लोगों ने कावड़ियों की सेवा की। डिस्ट्रिक्ट भिवानी से आए हैं, हर साल आते हैं बाबा के धाम पे, नीलकंठ धाम पे जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं, फिर कावड़ लेके आते हैं। हरिद्वार से लेके हम भिवानी तक जाते हैं। हरिद्वार से 1 तारीख को हमने कावड़ उठाई, आज हम जमुना ब्रिज पे पहुँचे हैं। आज हम जमुना ब्रिज पर ये धोप मार के पूजा पाठ करके फिर हम आगे की ओर अपने प्रस्थान करेंगे। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हम और हमारे सभी कावड़ भाई हैं जो सभी भक्तजन को बाबा का आशीर्वाद मिले और सब अपनी अपनी कावड़ लेके समय से पहले अपने जगह पे अपना जल पहुँचाए। यह भंडारा श्री शिव मनोकामना सेवा समिति द्वारा लगाया जाता है। इसमें हम 50-60 दोस्त हैं, सारी संस्थाएँ जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। इसमें हजारों की तादाद में हम कावड़ियों की सेवा करते हैं। इस भंडारे का नाम है श्री शिव मनोकामना सेवा समिति। ये हम पिछले 12 वर्षों से लगा रहे हैं। यहाँ पर खाने की, सोने की, रहने की हर चीज़ की पूरी सुविधा दी गई है। यहाँ तक कि डॉक्टर की सुविधा है, एम्बुलेंस की सुविधा है, हर सुविधाएँ यहाँ पर उपलब्ध कराई गई। पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने लघु सचिवालय में पौधारोपण किया और साथ में अध्यापक बोधराज की प्रशंसा भी की। पानीपत उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने लघु सचिवालय के प्रांगण में पौधा आरोपण किया और राजाखेड़ी स्थित राजकीय स्कूल के जेबीटी अध्यापक बोधराज की प्रशंसा भी की। उपायुक्त का कहना है कि अध्यापक बोधराज ने पौधा आरोपण अभियान को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का भरसक प्रयास किया है और हस्ताक्षर 12,000 अभियान चलाया। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने अपने इस अभियान के तहत 808वां पौधा लगवाकर उपायुक्त के हस्ताक्षर भी करवाए। मैं एक वन मैन आदमी की तरह हूँ, जिन्होंने अपने स्तर पे ये अभियान चलाया हुआ है कि 12,000 लोगों को जो है इन्होंने प्रेरित किया है जल संरक्षण के लिए, पर्यावरण से संबंधित विभिन्न विभिन्न जो भी कार्यकलाप होते हैं उसके लिए स्कूलों में जाकर के भी प्रचार करते हैं और पौधारोपण पर इनका विशेष एम्फेसिस रहता है। हमारी शुभकामनाएं हैं, ऐसे किसी भी काम के लिए कोई भी एक व्यक्ति नेतृत्व प्रदान करता है वो समाज के लिए एक सकारात्मक योगदान है। तो आज 12,000वां हस्ताक्षर हमारी सम्मानित सदस्य हमारी डीसी मैडम उनके हाथों से हुआ, अभियान का पूर्ण हो गया आज। इसके अंतर्गत मैंने लगभग 808 पौधों को रोपण किया है, 1500 से ज़्यादा पौधे अलग अलग जगह पर जाकर बांटे हैं, राहगिरी में भी पौधे बांटे हैं प्राकृतिक रक्षा संस्थान के साथ मिलकर, और साथ ही साथ 12,000 बच्चों को शपथ के माध्यम से और हस्ताक्षर के माध्यम से इस अभियान से जोड़ा है। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर की हड़ताल, बसों के चक्के रहे जाम। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की है। उनका कहना है कि जो सरकार ने प्राइवेट कंपनियों से प्रति किलोमीटर के हिसाब से बसों को हायर किया है जो कि बिल्कुल गलत है और इसी कारण आज यह हड़ताल की गई है। हड़ताल के कारण हरियाणा रोडवेज की सभी बसों के चक्के जाम हो गए हैं। वहीं यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का कहना है कि सरकार जो प्रति किलोमीटर के हिसाब से बसों को हायर कर रही है उसमें प्रतिदिन सरकार को हर बस को लगभग 10,000 रुपए तक देने पड़ेंगे। हमारी आज की ये जो स्ट्राइक है, केंद्र सरकार का 2017 का संशोधित ट्रांसपोर्ट बिल, उसके विरोध में, दूसरा राज्य सरकार द्वारा किलोमीटर स्कीम पर 700 निजी बसें जो लेके आई, इसके विरोध में पूरे केंद्र व राज्य स्तर पर आज 4,000 बसों का चक्का जाम।
हरियाणा रोडवेज का इसमें मुद्दा 7 अगस्त की जो हड़ताल का मुद्दा ये है कि हरियाणा सरकार ने 700 प्राइवेट बसों को पर किलोमीटर स्कीम पे हायर किया है। जो वो बसें ली हैं वो 38 रुपये पर किलोमीटर के रिसीट के हिसाब से इन्होंने ली, जबकि रोडवेज की आय 20 और 25 पर किलोमीटर है। और इस प्रकार से वो बसें 300 किलोमीटर चलेंगी और एक दिन में बस को 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। रोडवेज के बेड़े में चाहे उन बसों की आमदनी 5,000 हो या 7,000 रुपये हो, रोडवेज उस बस को डेली पर बस को 10,000 रुपये मट करेगा। जिस प्रकार से ये फैसला रोडवेज विरोधी है और इन बसों के आने से हमारे रोडवेज के अंदर स्थायी रोजगार बिल्कुल बंद हो जाएंगे। नई ट्रांसपोर्ट पॉलिसी को लेकर उसका समर्थन करते हुए आज जो रोजगार के ऊपर जो डाका सरकार डाल रही है, चाहे वो बिजली का है, चाहे रोडवेज का है, शिक्षा का, हेल्थ का, सभी विभागों में रोजगार, स्थायी रोजगार वो खत्म कर रही है, इसलिए हमें आज इसके बैठे हम विरोध कर रहे हैं। वहीं हड़ताल के कारण आमजन भी परेशान दिखे। आमजन का कहना है हड़ताल के कारण सभी बसें बंद हैं और जो प्राइवेट बसें चल रही हैं वह खचाखच भरी हुई हैं। किशनपुरा स्थित संजय पार्क के पास डालियों के कारण सीवर जाम हो गया है, जिस कारण गलियों में गंदा पानी जमा हो गया है। पानीपत किशनपुरा में स्थित संजय पार्क के पास गली के सीवर जाम हो गए हैं और गली में गंदा पानी भर गया है। सीवर के जाम होने का कारण गली में बनी डेयरियों को बताया जा रहा है। लोगों का कहना है डेयरियों का गंद जैसे गोबर और तूड़ी नाली के जरिए सीवर में जाकर अटक जाता है और सीवर जाम हो जाते हैं, उसके बाद सड़क पर पानी जमा होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर है ना ये सीवर रुक जाते हैं और यहाँ पानी भर जाता है, इतना गंद भर जाता है, यहाँ निकलने की भी जगह नहीं रहती, सारे घरों में घुस जाता है। हम तो बड़े परेशान हो रहे इस गंद से। यहाँ पे कब से है ये समस्या? ये तो समस्या हमेशा ही रहती है जी। तो किस कारण से है ये सीवर रुक जाते हैं जी? सीवर जो ये गोबर है, गंद है, यहाँ पे पनिया है, सबसे ज्यादा तो ये गोबर का ही समस्या है, ये गोबर से ही रुकती है। वहीं लोगों का यह कहना है कि समस्या पिछले 4-5 सालों से है और कभी कभी तो पानी लोगों के घरों में भी भर जाता है। ये यहाँ पे सीवर की समस्या बहुत ज्यादा है और समस्या ये तो इसका शुरू से ही डेरी है, कम से कम ये समस्या को तो 3-4 साल से रेगुलर ऐसे ही पानी भरा जा रहा है। ये 3-4 साल से तो ऐसे रेगुलर ही पानी भर रहे हैं, इसमें तो कोई आज तक दिक्कत हुई नहीं है। कई बार भी परेशानी इतनी बन गई है कि लोगों के पानी में पानी की समस्या बहुत ही ज्यादा है और सबसे ज्यादा जो है मेन डेयरी की वजह से है। अब तक की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर, अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 9253342393।